ब्लॉक कांग्रेस ने राष्ट्रपति के नाम एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। बढ़ते डीजल पेट्रोल रसोई गैस के दामों के विरोध में सौंपा ज्ञापन। ज्ञापन के माध्यम से महंगाई कम करने की मांग। मांग पूरी नहीं होने पर आंदोलन की दी चेतावनी। मध्य प्रदेश के विदिशा जिले के नटेरन ब्लॉक में बढ़ती डीजल पेट्रोल रसोई गैस आदि के निरंतर बढ़ते दामों के विरोध में नटेरन में ब्लॉक कांग्रेस कमेटी के सदस्यों सहित पूर्व विधायक द्वारा नटेरन तहसील परिसर पहुंचकर मौजूदा सरकार के खिलाफ नारेबाजी कर एसडीएम विजय राय को राष्ट्रपति के नाम ज्ञापन सौंपकर महंगाई को कम करने की मांग की। मांग पूरी नहीं होने पर कांग्रेस पार्टी द्वारा उग्र आंदोलन की चेतावनी दी गई। ज्ञापन के माध्यम से कांग्रेस के नेताओं ने बताया कि कोरोना काल के दौरान से आम आदमी आर्थिक तंगी से जूझ कर परेशान हो रहा है। मौजूदा सरकार द्वारा हर दिन पेट्रोल डीजल और रसोई गैस के दामों में बढ़ोतरी की जा रही है, जिससे महंगाई चरम सीमा पर पहुंच चुकी है। इस बढ़ती हुई महंगाई के कारण आम आदमी का जीना दुश्वार है। कांग्रेस पार्टी के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने बढ़ती महंगाई के खिलाफ ज्ञापन के माध्यम से सरकार से महंगाई कम करने की मांग की। सरकार द्वारा लगातार डीजल पेट्रोल गैस की कीमतें तो बढ़ाने को लेकर जो केंद्र सरकार बढ़ा रही उसको लेकर हमने आज नटेरन में माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय के नाम ज्ञापन सौंपा और उसमें हमने जो है डीजल पेट्रोल रसोई गैस खासतौर पर डीजल पेट्रोल रसोई गैस के डीजल पेट्रोल के दाम रोज बढ़ रहे हैं। 1 रुपया 80 पैसा 90 पैसा इस तरह देश में आज जो महंगाई को लेकर हाहाकार है उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने ज्ञापन सौंपा है और आने वाले समय में कांग्रेस पार्टी जगह जगह केंद्र सरकार के इस फैसले से को की निंदा करते हुए और इसका विरोध करते हुए जगह जगह धरना प्रदर्शन किया जाएगा, जिससे आम जनता की लड़ाई को कांग्रेस पार्टी लड़ेगी, जिसमें हमारे किसान भाई हमारे मजदूर भाई सभी परेशान हैं। क्योंकि महंगाई जो डीजल पेट्रोल की जो महंगाई होती है उससे आम जनता का बड़ा नुकसान होता है। इसको लेकर कांग्रेस पार्टी लगातार धरना प्रदर्शन करेगी और हमारी ये मांग है माननीय महामहिम राष्ट्रपति महोदय कि आप केंद्र सरकार को सचेत करें और मूल्य वृद्धि को वापस लेते हुए देश की जनता की जो जेब पे डांका डाला है उसको हटाएं और महंगाई को कम करें। खबर भारतवर्ष के लिए विदिशा से भयालाल धाकड़ की रिपोर्ट। अपने शहर अपने प्रदेश की ताज़ा खबरों के लिए लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और हाँ बेल आइकन दबाना ना भूलें, क्योंकि खबर हमारी फैसला जन